तुम औरत नहीं चुड़े हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम खादी ज्यादा हो, पर घर का सारा काम मुझसे करवाती हो। झाड़ू मैं दू, रोटियां मैं पकाऊ, सालन मैं पकाऊ, रात को तुम्हारा साथ दू। वाह, मैं मजदूरी वाला हूं तो तुम बाजारों में घूम लड़े के सौ सौ चक्कर लगाए, मेरी कमाई तुम अपने चुतीले माँ बाप को खिला जाती हो। तुमने मुझे मेरे माँ बाप से जुदा किया और आज मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। झांडा क्या बकवास कर रहे हो तुम? सरकार तलाक तलाक तलाक। ये लड़की कौन है? सरकार ये तलाक से पहले की कुछ नसीब बीवी है जी मेरी। क्या बक रहे हो झांडा? तुम तो गैर शादी शुदा हो। सरकार की बेटा ये बेटा जी। तो गया तुमने हमसे झूठ बोला। शादी तुमने बाप के कच्चे खाने में की और तलाक मेरे पक्के ड्राइंग रूम में दे रहे हो। क्या तक पहुंचानो, ये मेरा घर है, कोई तलाक खाना नहीं। जी बेटा, सरकार बंदा कसूरवार है, कई जगह से बीमार है, गुस्ताखी की माफी चाहते हैं। अगर आप नाराज हैं तो इस चुड़ैल बीवी से दोबारा नहीं पापड़ा था। जी बेटा जी, नहीं जानो, अब इस तरीका तुम नहीं हम पढ़वाएंगे। फकीर है जी सरकार, मेरा पिस्तौल लेकर आओ। पिस्तौल? दोनों लड़की तुम बताओ, इतना हंजार ने तुम्हें तलाक क्यों दी? सरकार सरकार ये गुंगी है जी, ये नहीं बोलती है। अगर बोले भी तो रोटी मांगती है, कपड़ा मांगती है, या फिर मेकअप का सामान मांगती है। जी बेटा, मेकअप का सामान, जब पिस्तौल की गोली चलेगी तो ये बोलेगी और तुम गुंगे हो जाओगे। सरकार गलत तमाचा हाजिर है जी। गिरे जी, हमारी अदालत का ये फैसला है कि ये दोनों गुनाहगार हैं, इसलिए सजा के हकदार हैं। इन दोनों को गोली से उड़ा दो और जब मर जाए तो इन्हें किसी अंदर कुएं में फेंकवा देना। सरकार जी बेटा, बदरान की अपील करते हैं, मरने से पहले वुजू करते हैं, फिर पाक साफ होकर मरते हैं। अब जाओ, इन्हें गोली चलाओ। सरकार गोली है और बंदे दो, इजाजत हो तो पहले। लड़की की परेशान खामोशी इस बात की अलामत है कि ये गुनाहगार है और हमें अफसोस है कि ये अभी तक सलामत है। एक, दो, तीन, मरने लगी है मस्की। डैडी, तो ये मैं हूँ आपका फरजान शानी। अरे शानी बेटा, ये क्या मजाक है? अरे डैडी, ये मजाक ही तो है, आप तो बस अपने कारोबारी चक्रों में ही मसरूफ रहते हैं। डैडी आज बहुत सारे कपड़े ले रहे हैं। ओह आई एम सॉरी बेटा, हमें याद नहीं आ रहा। शानी बेटा, आज हम भी बात कर रहे हैं। बात फिर लाएंगे डैडी जी, बात फिर लाएंगे डैडी जी, बात फिर लाएंगे। सरकार बंदा तो कल की पैदाश है, अभी जीने की ख्वाहिश है। सरकार सरकार, ये चाचा फकीर भी बच्चा है जी, इसे एक अंदर निपल के मुंह भी ला कर रात रात कर रहे हैं। जाने बेटा, ये तुम कुछ नकमे होते जा रहे हो बेटा। तुम्हारी मंजिल बहुत आगे है और तुम बहुत पीछे। वक्त हवा का वो तेज चौका है जो पलक झपकने में गुजर जाता है बेटा। अरे रेडी, आप मेरे साथ किस तरह का मजाक करें? वक्त क्या है, इसकी रफ्तार ही क्या है? मैं तो प्रवास करना चाहता हूँ वक्त से आगे, बहुत ऊंची प्रवास, लेकिन उसके लिए यह कि कम से कम आप मुझे एक अदद हवाई जहाज तो खरीदे। नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो, हवाई जहाज से गिर जाओगे। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मैं एक अदद गधा गाड़ी खरीदू। हाँ डैडी, वो आज इजी माय सन, इजी ब्रेकफास्ट का प्राइस। हाँ बेटा बात सुनो, तुम ये फर्स्ट प्राइस मना रहे हो, तुम्हारे एग्जाम सब टाइम में कुछ पार्टी दिया करो। इस फर्स्ट एप्रिल के हाथों आज बुरका भी पहनाना पड़ा। मेरे दोस्त चांदियों के बच्चे ने मुझे थका दिया है, पता नहीं किस बला का बच्चा है।
खुद तो थकता नहीं, मेरा सत्या नाश कर देता है। शर्म कहती है लोग चल, दिल कहता है आगे बढ़। अगर ये जाकर पूछ बैठा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो तो मैं क्या जवाब दूं? ये तो चौधरी का चांद है जिसके सामने आसमान का सूरज अपनी किरणों का दामन फैलाकर हुस्न की भीख मांग रहा है। मेरी आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ? कोई ख्वाब हो नहीं सकता, हकीकत का गुमान नहीं होता। डर 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 अंधेरी रात में हुस्न का चिराग लेकर आने वाली हसीना कौन हो तुम? जन्नत से आई हो के परेशान से? जी मैं आपके फादर को फकीरे की बेटी हूँ। फकीरे की बेटी? गुलाब का ये फूल हमारे हिसाब में बढ़ता रहा और हमें खबर तक नहीं। वैसे तुम आज से पहले यहाँ कभी नहीं आए, आज कैसा है? बैठो ना प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर बैठो भाई। जी वो बाबा से आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी। बाबा बता रहे थे आप बड़ी अजीब गरीब हस्ती है। दिल में मुझसे ये आरज़ू थी कि आपकी आपको देख सकें। साहब ये तमन्ना पूरी हो गई? अरे हम किस लायक है, तारीफ के लायक तो तुम हो। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तुम वाकई चाचा फकीरे ही की बेटी हो। चाचा फकीरा तो जिन निकला जिसने दुनिया के सारे खूबसूरत फूलों को एक ही गुलदस्ते में पिरो दिया है। आपका लिबास, उस पे ये निखार और ये अदाएं, मैं कोई समझा नहीं। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा मेरे बाबा जैसा हो। जितनी मोहब्बत मुझसे मेरे बाबा करते हैं उतनी तो चांद भी अपनी किरणों से नहीं करता होगा। ये तो कुछ भी नहीं, अगर मैं अपने बाबा को आसमान से तारे भी तोड़ कर लाने को कहूँ तो वो भी ले आएंगे। अच्छा जी, मैंने आपको बेआराम किया, अब मैं चाहती हूँ। अरे ऐसी बेआरामी के लिए तो मैं सारी उम्र दुआएं करता रहूंगा। आपकी इस बेआरामी ने तो मेरे दिल की धड़कनों को तेज तर कर दिया है। मेरे दिल में मीठा मीठा सा दर्द उठने लगा है। वो आए भाई, मर्द से लापरवाही मर्द का इलाज नहीं। अगर आप कहें तो मैं किसी माहिर दिल को बुलवा लाऊं। अरे ये वो दर्द कहां कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के बस की बात होगी। इस दर्द का इलाज तो आपकी मोहब्बत भरी एक नजर कर सकती है। छोड़ दो मेरा हाथ। तुम्हारी शराफत पर भरोसा करना मेरी गलती थी, मगर एक बात मत भूलो, अपनी हिफाजत करना मैं खुद चाहती हूँ। ये क्या, तुमने मेरी मोहब्बत के पाक जज्बे को शक की निगाह से देखा? अरे मैं कमीना नहीं, एक शरीफ इंसान हूँ। माफ करना, मैं समझी क्या? तुम जो भी समझी गलत समझी। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें दिल दे बैठा हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की तुम्हारे जैसे खूबसूरत शहजादे की लौंडी बनना अपनी खुशनसीबी समझेगी, मगर एक बात मत भूलो कि मैं तुम्हारे फिक्रों पर पलने वाला गरीब नादान फकीरे की बेटी हूँ और तुम एक करोड़पति बाप के बेटे। मोहब्बत के सच्चे जज्बे इन तमाम तफरीकों को मिटा देते हैं। मोहब्बत में कहां इन बातों की गुंजाइश होती है? इस बात के जवाब देने का अख्तियार मुझे नहीं। हमारे माशरे की लड़की शादी से पहले अपने बाप की और शादी के बाद अपने शौहर के हुक्म की अदात करती है। अरे ऐसा ही होगा मेरी जान, और यूं भी देखो ना अब और इतनी सारी बातें तो हम कर रहे हैं और एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। Stop.
stop, 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 stop. Stop, 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 stop. जी,
तू मामिस इतिफा बयान मैं होली कराने हाँ वो बना जा रह गया मेरा भाई रुक कर
तुम्हें तो काटेंगे।